सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर, और साथ में डिस्कस करेंगे इरकॉन इंटरनेशनल। आप लोग देखोगे IRFC में एक खबर भी आते हुए नजर आई, अभी वो खबर क्या उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखोगे दोनों शेयर 6% 6.5% के करीब तेजी में क्लोजिंग लिया अभी IRFC ने, और 8-9% के आसपास जो तेजी है वो हमें देखने को मिले इरकॉन इंटरनेशनल में। साथ में अरविनल आप लोग देखोगे 10% का सर्किट, और उसने तो एक बड़ी खबर और दे दी अभी अरविनल ने, उसके जो अभी 8 तारीख को आने वाला है Q1 के रिजल्ट्स, ठीक है, वो उसने ऐलान कर दिया। और कंपनी को एक 740 करोड़ के आसपास का बड़ा ऑर्डर भी मिला है, तो ये कंपनी ने अनाउंस किया अरविनल ने। अब यहाँ पर आप लोग देखो भी क्या खबरें आई हैं, और चार्ट्स के हिसाब से आगे के क्या कुछ मोमेंटम बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। और जो भाई भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है टेलीग्राम से लगा लीजिए, यूट्यूब से लगा लीजिए, देखो मैंने इन शेयरों के अंदर एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको बताई थी, और इनके चांस थे कि जो शेयर जिस प्रकार से टूट रहे हैं पीछे चार्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से, आप लोग देखो पीछे का चार्ट देखोगे उसके हिसाब से, तो इन शेयरों में जो ना अभी 30% के आसपास गिरावट के चांसेस थे, और ये जो शेयर है वो आप लोग देखोगे 22% टूटे और वहीं से स्टॉक में रिवर्सल। मैंने यहाँ पर आपको क्या बोला, 22% की गिरावट जब इन शेयरों में हो चुकी थी, एकदम से पैसा लगाना नहीं है, कहीं आप लोग एकदम पैसा लगा देते हैं गिरावट देखकर, एकदम पैसा डालना नहीं है, ये टाइम है SIP का। सेम आपको बोला डिफेंस के अंदर, इन दोनों सेक्टर्स के अंदर SIP के लिए मैंने बोला, इरकॉन IRFC दोनों के अंदर तो खासतौर पर SIP करनी है, टेलीग्राम पर जाके देख सकते हो, और वहाँ पर आप लोग मजगांव GRSE और कोचिंग शिपयार्ड BDL और HCL उन शेयरों में मैंने SIP के लिए बोला। और आप लोग देखोगे जिन भी शेयरों में SIP के लिए बोला आज उन शेयरों में एक्शन एक बहुत अच्छा बनते हुए नजर आए, तो यहाँ पर SIP का जो अभी काम था स्टार्ट करना। इसके बाद एक भाई का कमेंट भी आया कि आप तो बोल रहे थे कि स्टॉक 30% गिरेंगे, तो भाई अगर आप लोग कंप्लीट वीडियो देखो ना उसके बाद कमेंट किया करो, ठीक है, जब तक आप लोग कंप्लीट वीडियो देखते नहीं हो बस थोड़े बहुत ही स्किप किए बाहर निकले उसके बाद कमेंट करना, तो ये सारी चीज़ें गलत है। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखो उसके बाद आप बोलो भी मेरे को आपने भी मैंने आपको क्या समझाया क्या बोला, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भाई आगे क्या कुछ इसके मोमेंटम बनेंगे। सबसे पहले अगर बात करें खबर की तो यहाँ पर देखोगे भी IRFC की तरफ से एक अपडेट आया है, NSE BSE की साइट पर इसका चेकआउट आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर एक बोर्ड मीटिंग थी आज कंपनी की, उसमें जो है आप लोग देखो डायरेक्टर हेल्ड ऑन मंडे, तो आज के दिन इसको जो है अभी हेल्ड किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग कंपनी ने क्या बताया, कंपनी के जो आप लोग देखोगे यहाँ से ये देखो सेक्रेटेरियल जो ऑडिटर्स हैं यानी जो ऑडिटर्स हैं उनको जो है अभी रिअपॉइंटमेंट किया गया है, आगे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के इसको लेकर रिअपॉइंटमेंट दिया गया है, तो बस यही अपडेट है अभी, इसके अलावा कोई और अपडेट तो नहीं है, तो कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं रहने वाला इस खबर का इस कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो ये अखिल रोहतागी एंड कंपनी करके जो भी इनके सेक्रेटेरियल ऑडिटर हैं इनको जो है अभी फिर से रिअपॉइंटमेंट मिला है, तो चलिए अब देखते भी इसके चार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी IRFC, ठीक है। IRFC में आप लोग देखोगे ऑलरेडी हमें गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक अपने हाई से कितना टूट गया था, अभी ये ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे 20% के करीब गिरावट में आया था, ठीक है। 20% की गिरावट में आने के बाद आप लोग देखो स्टॉक में फिर से रिवर्सल रहा ये, ठीक है, यहाँ से फिर से रिवर्सल आया और स्टॉक ऊपर में आप लोग देखोगे एक अच्छी रिकवरी लेते हुए 6-7% की तेजी बनी है, और 192 रुपये का जो इसका रेजिस्टेंस था हमारा ऊपर में, स्टॉक ने एक बार फिर से उस रेजिस्टेंस के आसपास जाने के एक रेजिस्टेंस को काटा ऊपर में और सस्टेन किया है, तो 170 रुपये का स्ट्रॉन्गली सपोर्ट है नीचे में। अगर किसी कारण से आप लोग देखोगे स्टॉक या फिर से नीचे की तरफ आता है तो 170 तक हम जो है SIP करेंगे और हमारे पोर्टफोलियो में शेयर करके रखेंगे अगले 6 महीने के लिए, चांस रहेंगे इसके। अभी के टाइम की अगर मैं बात करूँ टारगेट्स की तो 210 रुपये के आसपास जाने के बहुत चांस बने हुए हैं, बट सपोर्ट रहेगा 192 का नीचे में, ठीक है, जिसको इसके नहीं लेना है। और जो भाई लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं अगले 6 महीने के लिए वो SIP के लिए तैयारी फुल रखो भाई। चलिए अब देखते हैं सेकेंड स्टॉक, हमारा सेकंड स्टॉक है भाई इरकॉन इंटरनेशनल, ठीक है। इरकॉन भी आप लोग देखो ऊपर से जो ना 22% क्रैश हुआ, ठीक है, 22% क्रैश होने के बाद स्टॉक में फिर से रिवर्सल हमें यहाँ से देखने को मिला है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखोगे भी अगर ये शेयर 300 रुपये को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, अभी टाइम तो 300 लेवल के आसपास है ना भाई जो इसका रेजिस्टेंस है, अगर इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक सस्टेन करता है तो इसके चांस रहेंगे 330-340 ये लेवल ऊपर में हमें दिखा सकता है, 350, ठीक है, 330 और 350 ये मूव स्टॉक में आ सकते हैं, बट उसके लिए पेशेंस रहना जरूरी है, आगे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं कंपनी के इसकी और जो IRFC की डेट अनाउंस नहीं हुई अभी अब तक, तो नीचे में सपोर्ट रहेगा अभी स्ट्रॉन्गली सपोर्ट 263। अगर स्टॉक यहाँ से फिर से रिवर्सल लेता है नीचे की तरफ आता है यानी कि एक तेजी हुआ फिर से नीचे की तरफ आता है तो यहाँ से हम जो ना अभी SIP स्टार्ट की हुई है तो SIP के तौर पर
आगे की स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ये रहेंगे इनके लेवल वगैरह। अभी टाइम अगर आपको होल्ड करना तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको रिस्क ही नहीं लेना है इसका तो आपका जो इसका आज का लो रहा है ना अभी, उसके हम जो ना अभी सपोर्ट के तौर पर पकड़ के चल सकते हैं जो कि 274 के आसपास का है, ठीक है। या फिर आप लोग एक स्ट्रॉन्गली सपोर्ट पर काम करोगे तो 262 का बनेगा अभी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।